हेलो फ्रेंड्स, शैंकी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज मलाई टोस्ट। और फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए हम फटाफट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने चार व्हाइट ब्रेड लिए हैं, आप चाहे तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और मैंने शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर एक एक लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मैंने घर की निकाली हुई मलाई ली है। और मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्ची का पाउडर भी ले सकते हैं, नमक स्वादानुसार और काली मिर्च का पाउडर। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर हम शिमला मिर्च डाल देंगे, प्याज और टमाटर, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे या स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया, अभी हम इसके अंदर मलाई डालेंगे। पहले एक चम्मच डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच और डालेंगे इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, वेजिटेबल को जो आपको पसंद हो आप इसमें वो वेजिटेबल का भी यूज कर सकते हैं, और जो पसंद नहीं है आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टॉपिंग बिल्कुल तैयार है, ये अच्छे से बाइंड हो गए आपस में। अभी मैंने ब्रेड लिए हैं, अभी हम ब्रेड के ऊपर ये लगाएंगे टॉपिंग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ अच्छे से टॉपिंग लगा ली है, आप सारे ब्रेड ऐसे ही तैयार कर लीजिए पहले। अभी फ्रेंड्स, मेरे जो ब्रेड है बिल्कुल तैयार है, अभी हम इन्हें सेकेंगे गैस पर। और फ्रेंड्स, तवा है वो गर्म हो गया, अभी मैं इसके ऊपर बटर लगा रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं, आप ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। हम इन्हें एक मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी फ्रेंड्स, एक मिनट हो गए, अभी हम ऊपर की तरफ बटर लगा देते हैं इसमें। अभी फ्रेंड्स, हम इन्हें फ्लिप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा हल्का सा ये सिक चुका है, अभी दूसरी तरफ से भी हम इन्हें दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे गैस पर, मीडियम फ्लेम पर। फ्रेंड्स, दो मिनट हो गए, एक बार हम इन्हें फ्लिप कर लेंगे दोबारा से। आप देखिए इनका कितना अच्छा कलर आया है, एकदम सिक चुके हैं। अभी हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं और बाकी जो हमारे टोस्ट बचे हैं उनको भी ऐसे ही हम फ्राई कर वो सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेज मलाई टोस्ट बिल्कुल तैयार है और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है। अभी मैं आपको काट के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं और आप देखिए हमारे एकदम सॉफ्ट बने हैं अंदर से। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स हमारे, और आप इसको टोमेटो चटनी के साथ या हरी चटनी के साथ किसी के साथ खाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत ही खुश होकर खाते हैं, या आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और बहुत टेस्टी भी बनता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और मेरी वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।